First of all, thank you so much for providing the screener of this show. It means a lot. क्या सोचा था विठल टिड्डी के बारे में और क्या शो ये निकला है? You guys have no clue about this. What? Bro, what are you talking about, man? To be honest, guys, जब मैंने विठल टिड्डी का ट्रेलर देखा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे हॉरिफाइंग थॉट्स चल रहे थे और उसमें से सबसे पहला थॉट यही था कि क्या मैं प्रतीक गांधी को हर्षद मेहता के अलावा किसी और कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं. बट नाउ आई हैव द वाइडेस्ट आंसर, सो बताऊंगा मैं उसके बारे में. लेकिन उससे पहले मोटा मोटी हम बात कर लेते हैं विठल टिड्डी के स्टोरी प्लॉट के बारे में, जो रिवॉल्व कर रहा है विठल के कैरेक्टर के अराउंड, जिसको ताश के गेम का काफी ज्यादा शौक है. अब विठल की जिंदगी इसकी वजह से आबाद होती है या बर्बाद, वो तो आपको OHO गुजराती पर 6 एपिसोड्स देखकर पता चलेगा. गाइस, यू हैव नो क्लू, ये शो मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है. एंड समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स एंड शोज द पोटेंशियल ऑफ प्रतीक गांधी. और ये बात ना मैंने स्कैम 1992 के रिव्यू में भी कहा था, लेकिन विठल टिड्डी देखकर ये कंफर्म हो गया है कि ही कैन आल्सो प्ले लेमैन्स कैरेक्टर. Nice. Moving ahead, I will start by saying this ki Vitthal Tiddi ka story plot काफी ज़्यादा diversive है. It goes up and it goes down. Show का first episode काफी ज़्यादा gripping है, जो आपका mood set कर देगा. And आयश अपत जो उस बच्चे ने performance दिया है, it is quite charming. लेकिन आप जैसे ही second episode में आएंगे तो story आपको थोड़ा सा drag होते हुए लगेगा और ये सारी चीजें आप बाकी के एपिसोड्स में भी थोड़ा बहुत फील करने वाले हैं. कुछ टाइम पर जब शो को स्ट्रेच किया जा रहा था तब आई वॉज लाइक ओके फाइन, बट जब वो ज्यादा होने लग गया था रिपीटेडली तो आई वॉज गेटिंग वेरी इरिटेटेड कि व्हाई आर दे डूइंग दिस. व्हाई आर यू क्राइंग? This was the one thing which was keep bugging me throughout the show. Even ये नहीं, characters like Jagdish, जिनके बारे में हमें लगता है कि थोड़ा बहुत proper insight मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती, उनका character development बिल्कुल नहीं होता है. Show में इन सब को sideline कर दिया जाता है विठल के character के requirements के around. And somewhere it was also spoiling my mood. Simple और clear cut बात करूँ तो ये story विठल के character के around है. And yes, we do learn so many things about विठल, जो कि नेक्स्ट लेवल एंगेजिंग है. बट हाँ, मैं इसको इंस्पायरिंग बोलूंगा नहीं, क्योंकि ताश का गेम किसी का सगा नहीं हुआ. यू नो, मेरे इस शो से काफी ज्यादा हाई होप्स थे और मैंने बहुत ही ज्यादा शायद हाई होप्स अपने रिसेट कर भी दिए थे. बट समवेयर आई एम सेटिस्फाइड with this show, क्योंकि lead is making peace with itself. और जब openly वो खुद को ही accept कर रहा है, तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मैं शायद इसके बाद भी कुछ nitpick कर सकता हूँ. और सबसे बड़ी बात यह है कि विठल टिड्डी social development और morality grounds पे भी जाके बात कर रहा है. कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाई गई है जो अनजाने ही सही हमें cruelty का definition show करती है. और आपको है ना बहुत hesitant सा feel होगा अगर मैं right word में put करूँ तो, बहुत गिल्ट ट्रिप पर आप चले जाओगे वो सारी सीन्स देख के. और ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम दिखाई गई हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट भी किया गया है, वो भी आपको बिना कोई बात का पता चले. विठल टिड्डी देखकर मुझे सिर्फ एक बात समझ आई कि आप खुद को कैसे एक्सेप्ट करते हो और खुद को कैसे ग्लोरीफाई करते हो. एंड दिस शो इज ऑल अबाउट दैट. विठल बाहर की दुनिया में जाकर कुछ भी कर ले, लेकिन जो उसका बॉन्ड बना हुआ है उसके फादर के साथ, वो कभी नहीं बिगड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, दैट बॉन्ड वॉज एपिक. एंड फॉर इंस्टेंस, विठल्स स्ट्रगल इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. और ये सारी चीजें ना हमें शो में बहुत साइलेंटली, कामली और सटलनेस के साथ हमें दिखाई गई है. बट हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि स्टोरी प्लॉट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस्ट हो जाता है कि वो किस ट्रैक पर जाएगा और कब जाएगा. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लूपहोल था इस शो का. विठल टिड्डी का प्रोडक्शन में आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स देखने को मिलेगा, विच आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग. लेकिन जो 80s एंड 90s का टाइम रिक्रिएट किया गया है बाय यूजिंग एम्बेसडर्स, पब्स और पेड़ के नीचे वाला यू नो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, दैट वॉज क्वाइट कूल. और डायरेक्शन तो पूछो मत, क्योंकि इट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग. बस मुझे सिर्फ एक फॉल्ट देखने को मिला था पूरे शो में, कि जब विठल हाथ जोड़ने के लिए अपने घर में जाता है, आई गेस इट वॉज सेकेंड और थर्ड एपिसोड,
वहां पर वो हाथ जोड़ता और वहां पर हम सेम साइड का फ्रेम देखते हैं जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग था, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए बाद में हम प्रतीक के कैरेक्टर में देखते हैं कि वो साइड में जैसे ही जाता है तो एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट देखते हैं कि वो बैठकर खाना खा रहा है। ये एक छोटा सा सीन था जो थोड़ा बहुत एब्सर्ड था, बाकी इसके अलावा शो पूरा टाइट है एंड वहां पर आपको कोई भी यू नो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। शो का बैकग्राउंड स्कोर इज ऑल्सो जबरदस्त, बट हाँ यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस शो से हाई होप्स मत रखना, क्योंकि जैसे ये शो स्टार्ट हुआ था ऐसा लगा था कि ये रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इट इज गोइंग टू टेक 1 or 2 more seasons, उसके बाद ही हमें रियल सिनेरियो पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। बट हाँ, गेट रेडी, विठल टिटी इज गोइंग टू सरप्राइज यू एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इनसाइड यू, एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू से विठल टिटी इज ठीक ठाक है, देख ले यार। जाने से पहले अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड as always thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel।